गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में बुधवार को ACJM CBI कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अब एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू SP सहित 7 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने और जांच करने के आदेश दिए गए हैं। 24 जून 2017 में चूरू में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने आनंद पाल को मार गिराया था, जिसके बाद राजपूत समाज को कई दिनों तक आंदोलन करना पड़ा था। आइए आज आपको बताते हैं आनंद पाल कैसे जुर्म की दुनिया में आया और उनकी गर्लफ्रेंड कौन थी। नागौर जिले के लाडनू तहसील के सांवराद गांव के रहने वाले आनंद पाल ने BEd तक पढ़ाई की। शुरुआत में वो टीचर बनना चाहता था, लेकिन वो जुर्म की दुनिया में चला गया। आनंद पाल ने 2 बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इसके बाद शराब के कारोबार में लग गया। 2006 में अपने दोस्त जीवन राम गोदरा की गोली मारकर हत्या कर आनंद पाल ने अपराध की दुनिया में एंट्री ली। जीवन राम जाट समुदाय से आते थे। उनकी हत्या के बाद जाट बनाम राजपूत हो गया। दरअसल मदन सिंह राठौर की हत्या जीवन राम गोदरा ने की थी। इसी का बदला लेने के लिए आनंद पाल ने जीवन राम को मार डाला। इस हत्या को जाटों से बदले के रूप में देखा गया। इससे आनंद पाल राजपूतों की नजर में हीरो बन गया। बीकानेर जेल में 2015 में गैंग वॉर हुआ, जिसके चलते आनंद पाल को गोली लगने के बाद उन्हें अजमेर जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन सितंबर 2015 में नागौर में पेशी के बाद वापस अजमेर जाते समय आनंद पाल ने पुलिस कर्मियों को नशीली मिठाई खिलाई, जिसके बाद उनकी गैंग के लोगों आनंद पाल को लेकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस की बदनामी हुई। 2015 में पुलिस ने आनंद पाल पर शिकंजा कसने की ठानी, तो 24 जून 2017 को पुलिस को सोर्स से जानकारी मिली, वो चूरू के मौलासर गांव में है, जिसके बाद स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया और आनंद पाल का इसी दौरान एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर को लेकर उस दौरान राजस्थान में खूब बवाल हुआ था। आनंद पाल सिंह और अनुराधा चौधरी के बीच की प्रेम कहानी काफी चर्चा में रही है और इसमें कई रहस्य और विवाद भी शामिल है। अनुराधा सीकर की रहने वाली है। कॉलेज के पढ़ाई के दौरान उन्हें दीपक मिंज से प्यार हुआ और घर वालों के विरोध के बाद भी मिंज से शादी कर ली। अनुराधा शेयर बाजार में काम करने लगी थी। वो दीपक मिंज के साथ मिलकर अच्छा पैसा कमाने लगी। इसी दौरान अनुराधा पर कुछ गड़बड़ी और लेन देन के चलते उन पर देनदारी बढ़ गई और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। पुलिस से इस मामले में मदद नहीं मिल पाई तो वो बलबीर बानुड़ा की मदद से आनंद पाल से मिली। आनंद पाल ने उनकी मदद की। साथ रहने के दौरान दोनों लिव इन में रहने लगे। इसी तरह अनुराधा अपराध की दुनिया में चली गई और कई केस दर्ज हुए। 2017 में आनंद पाल एनकाउंटर के बाद वो दिल्ली आ गई और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ गई। हाल ही में अनुराधा ने कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।